क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया, जिसे हम शुभ मुहूर्तों में से एक मानते हैं, इस साल 2024 में शुभ कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पंडित जी के अनुसार इस साल अक्षय तृतीया पर विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों का क्यों शुभ मुहूर्त नहीं है। अक्षय तृतीया को अबूझ शुभ मुहूर्त कहा जाता है, जिसका मतलब है इस दिन शुभ कार्यों के लिए विशेष मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। यह दिन भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस दिन लोग बिना मुहूर्त देखे विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य करते हैं। भगवान परशुराम जी के जयंती हुए रिसावे, भगवान विष्णु जी के एक अवतार हुए रे परशुराम के, ओकरे नाम से होला पुण्य दिवस मनाए जाते। अक्षय तृतीया के दिन जैसे पहली छोटे छोटे लड़का मन वो दिन शादी करें, पुतली बना के और बहुत अकन कुछ मांगलिक कार्य करें। जांजगीर के पंडित जी बताते हैं कि इस दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। परशुराम जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए अक्षय तृतीया को पुण्य दिवस भी कहा जाता है। इस दिन गुड्डा गुड़िया का विवाह और अन्य मांगलिक कार्य होते हैं। विष्णु जी के एक अवतार हुए रे परशुराम के, ओकरे नाम से होला पुण्य दिवस मनाए जाते। इस साल 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को है, लेकिन इस बार गुरु और शुक्र के अस्त होने के कारण कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित है। पंडित बसंत शर्मा महाराज बताते हैं कि इस दिन तालाब कुआं खुदवाना, गुरु दीक्षा लेना, गृह प्रवेश जैसे कार्य वर्जित है। शादी के लिए भी कोई शुभ लग्न नहीं है। गुरु शुक्र के अस्त है एक नाम से मांगलिक कार्य वर्जित है। कोई भी जैसे तालाब कुआं खुदवाना है, विवाह करना है, गुरु दीक्षा लेना है, ये सब कार्य अलग वर्जित रखते हैं। ये कार्य मतलब नहीं करना चाहिए, उमा नाम से लग्न नहीं है, गुरु शुक्र के अस्त है तेकरे नाम से। अक्षय तृतीया के दिन को शुभ माना जाता है। पंडित जी बताते हैं कि इस दिन घड़ा दान, गुड़ दान, चीवड़ा गुड़ का प्रसाद वितरण जैसे कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा शादी के लिए अगला मुहूर्त 7 जुलाई के बाद है, जब शुक्र का पश्चिम में उदय होगा। पुण्य दान करना रहते है, जैसे घड़ा के दान है, पुण्य के काम है, वो करना चाहिए। वोला तो सब ले तो करबे कर ही वोला, जैसे चीवड़ा वगैरह गुड़ उड़ बंटवाते हैं, बोला बंटवाबे कर ही, वो मन में कोई प्रतिबंध नहीं है। शादी के मुहूर्त है तो सीधा फिर जुलाई माह है, 8-9 तारीख के बाद, 7 तारीख तक तो अस्त है शुक्र के। शुक्र के पश्चिम में जब उदय हो जाए, ओकर बाद में फिर अच्छा मांगलिक कार्य लग कर ही। वो लोकल 18 जांजगीर चांपा से लखेश्वर यादव की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी पंडित के अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।